सो हे गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग जानते ही हैं कि इंस्टाग्राम हर बार कोई ना कोई अपडेट लेके आते रहता है, तो इस बार भी एक न्यू अपडेट लेकर इंस्टाग्राम आ गया है, जिसको आप लोग को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, और उसको कैसे यूज करना है ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास करिए जो रील्स क्रिएटर है उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस न्यू अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या है वो न्यू अपडेट और कैसे उसको यूज करना है, और अगर आपको ये अपडेट अभी तक नहीं मिला है तो कैसे इस अपडेट को लाना है अपने इंस्टाग्राम के अंदर, आपको इस वीडियो के अंदर फुल ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। तो बने रहना वीडियो में स्टार्ट से एंड तक, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, और अगर इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आकर मैसेज करें या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। न्यू अपडेट क्या आया है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आप लोग किसी को यहाँ से फॉलो करते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे एक 3 डॉट दिखता है, अगर आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एक न्यू इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा, टर्न ऑन रील नोटिफिकेशन। अगर आप लोग इसको इनेबल करते हो तो अगर ये बंदी फिर से अगर कोई वीडियो अपलोड करती है रील्स, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो इस तरीके से आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि जैसे ये अपना कोई भी रील वीडियो अपलोड करेगी, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स क्या करना है, नोटिफिकेशन ऐसे नहीं आएगा। नोटिफिकेशन के लिए आपको अपने प्रोफाइल के अंदर जाना है। प्रोफाइल के अंदर जाने के बाद आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखता है, तो आपको इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको पोस्ट स्टोरीज एंड कमेंट का यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लाइक्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे ऑफ है, तो हम इसको नीचे फॉर्म एवरीवन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद लाइक्स एंड कमेंट ऑन फोटोज़ ऑफ यू वाले को भी फॉर्म एवरीवन कर देंगे। आपको जो जो मैं बोलूँगा आपको उसको एवरीवन कर देना है। उसके बाद आपको फ़ोटो ऑफ यू को एवरीवन कर देना है। उसके बाद आपको कमेंट ऑन को एवरीवन कर देना है। उसके बाद आपको कमेंट लाइक्स एंड पिन को भी यहाँ पे ऑन कर देना है। उसके बाद आपको फर्स्ट पोस्ट एंड स्टोरीज को भी यहाँ पे एवरीवन कर देना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, बट मैं आपको मोबाइल के सेटिंग्स में यहीं से जाकर दिखा देता हूँ। तो आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाने के लिए एडिशनल ऑप्शन इन सिस्टम सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग का यहाँ से नोटिफिकेशन ऑफ है, तो आपको यहां से नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, और ये सारे नोटिफिकेशन को यहां पे ऑन ही रहने देना है। जस्ट आप लोग देख सकते हो, अगर आपका ऑफ होगा तो उसको आपको ऑन कर देना है। तो इस तरीके से आपको यहां पे ऑन कर देना है, उसके बाद आपको बैक चलना है। सो हम लोग यहां से अपने इंस्टाग्राम में बैक आ गए। अब मैंने जो सेटिंग्स था वो सेटिंग्स कर लिया, और इस अपडेट को भी समझ लिया कि इस अपडेट से हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने वाला है। अब इस अपडेट को कैसे अपने इंस्टाग्राम के अंदर लाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चलना होगा प्ले स्टोर में। अब इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। अगर आपका इंस्टाग्राम अपडेट नहीं है तो आपको अपडेट कर लेना है। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, इंस्टाग्राम बीटा वर्जन। तो इंस्टाग्राम बीटा वर्जन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा, और आपको यहाँ पे एक URL बीटा टीजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, और आपको यहाँ पे एक ज्वाइन का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आपको यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको बीटा वर्जन इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, कोई भी न्यू फीचर आएगा तो वो सबसे पहले आपको मिलेगा। हर एक इंस्टाग्राम यूजर को ये करके रखना चाहिए, क्योंकि जैसे न्यू अपडेट आता है सबसे पहले आपको मालूम चलता रहेगा। तो आपको इस तरीके से आपको पूरे सेटअप को फिलअप कर लेना है, उसके बाद आपको वेट करना है। अगर आपको नहीं मिलता तो आपको एक और वीक का वेट करना है। एक और वीक के बाद आपको ये ऑप्शन ज़रूर मिल जाए, क्योंकि ये न्यू अपडेट है, धीरे धीरे करके सभी को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग भी करके इस न्यू अपडेट का फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।